अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम ऑन रिया विलाग। अभी सैड सैड विलाग हैं थोड़े से ना, क्योंकि हम खुद सैड सैड हैं और सैड सैड सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे ना। खैर अभी शाम के तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेके आना। खाने में घर में तो आपको कुछ भी नहीं बनता, आपको पता है। हमारी जो बेगम है, हमारे जो शेफ है ना, वो उनकी ये हालत है, वो यहीं पर पड़ी हैं तब से ना, कोई इनकी समझ नहीं आ रही। तो बुखार ना नहीं उतर रहा इनका ना। चलो खैर, मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह जो है ना व्हाट्सएप वगैरह पे पूछी है, उनके फार्मूले लेके ना उसके हिसाब से ना मेडिसिन भी लेनी है और कुछ ली भी हैं। तो अभी चल रहा है इनका समय ना। मेन इनका मसला है गले का, खाना या के खाया है ना उसमें ना इनको गले का इन्फेक्शन हुआ है, तो वही असल में मेन चीज़ वही चल रही है। खैर मैं अभी चलता हूँ, कुछ लेके आना है खाने के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ, अपने खाने के लिए भी ना। अब देखते हैं क्या करना है यार। यहाँ का जो ये वाला होता है ना, उससे ना हमारा मसला काम ख़राब हो रहा है। घर में बना है तो ही बात चलनी है, जो इन वाला खाते हैं ना तो वो तो भाई काम ख़राब हो जाता है। तो मैंने तूतसिया वगैरह और बेटनिसोल वगैरह साथ इसीलिए रखी हुई है कि मैं जब इनका खाना खाता हूँ तो गला वगैरह ख़राब हो जाता है, उससे ना बुखार भी हो जाता है। खैर कोई नहीं जी, अभी करते हैं जी, सेक्रीफाई तो करना पड़ता है, फिर आपको पता है। निकलता हूँ मैं, हमारा ये सामान है तो सब ये बोझा हम सब तैयार रखते हैं। आते हैं नहीं नहीं, आप घर में बैठो मम्मा के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप इधर बैठो, शाबाश अच्छा बच्चा बन गुड बेबी। और इस कार्ड के बगैर तो बिल्कुल भी बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। मैं आके देता हूँ, मैं आप ही आ रहा हूँ बस, मैं सब कुछ खाने को लेके आता हूँ फिर। चलो जी चलते हैं। सब रात का टाइम है और मैं लेने जा रहा हूँ खाना यहाँ से, तो पता करता हूँ। अब लेना तो पड़ेगा कोई ना कोई, गुजारा गुजारा जो करना है। यहाँ पे आगे साइंस यूनिवर्सिटी इस साइड पे ना, उसके साथ हम ढाबे बने हुए हैं सारे, वहाँ स्टूडेंट खाते हैं चटपटे से खाने जाने। वही चटपटे के चक्कर में सारा काम पहले ख़राब है, तबीयत खराब है बेगम की। खैर अब यहीं से यही मिलता है तो यही खाना पड़ेगा। और मोनसी भी लेंगे तो कहने कि चीज़ में ला के खाना। बेगम का तो खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, बस बच्चों ने खाना और मैंने खाना है। ये वैसे मैं कुछ ले आया हूँ, ये उन्होंने साथ पापड़ भी दे रही हैं। ये पापड़ साथ लाजमी देते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। आप सुनाओ, जल्दी ठीक हो यार, हिम्मत करके ना ठीक हो। मैं अंदर से उठ के आई हूँ कि दर्द ही नहीं जा रही थी, कभी कहीं होती कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। मैंने कहा उठ के चलती फिरती हूँ शायद कोई ध्यान बदले, फिर इधर आई हूँ। अब पहले से तो गर्म कम है। पेन किलर लेनी है? ली नहीं है पेनाडोल। हाँ पेनाडोल पेन किलर के तौर पर भी तो करती है काम, लेकिन वो बुखार के लिए होती है असल। ये भाई सब चावल निकालते हैं। वो ले लूं दवाई, हां पी के दर्द करता है। दर्द नहीं जा रही? ले लो, दर्द नहीं जा रही तो ले जा। सबर कर थोड़ी सी, पहले अगली हजम कर ले। फिर सबर, फिर आराम, असर होते होते भी तो उसने आधा घंटा लेना, बड़ी दर्द है। ये पकड़, उठ जा यार। ये मैं चावल ले आया हूँ अभी थोड़े से, चिकन वाले हैं। मैंने कहा इसको पहले टेस्ट करते हैं ये कैसे हैं। ये भाई सब फ्राई करो आप, ले आया हूँ। एक अंडा भी डाला हुआ है। हाँ मतलब उसमें चिकन है, चिकन बहुत चावल है, बहुत ज्यादा लाए, पता कैसे हैं ये चिकन है। मैं चेक कर देता हूँ आपको, ये हमारी तरह जैसे बिरयानी होती है ना ऐसे फ्राई की हुई। शेरी को भी बुलाओ, इसको भी खिला दो, फिर भागे कह के बाद में भूख लगी, माइंड अप करो। चलो आ जा, शेरी को बुला, चम्मच पड़े उठा के ले आओ।
अब आपने चखने? बिल्कुल भी नहीं, दवाई दूं पहले? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग हो गई। तो सुबह सुबह जी हमारे यहाँ पे नाश्ते बन रहा है और ये हमारा फर्स्ट बकायदा नाश्ता है यहाँ पे, ना खाना समझ लो। हाँ जी। इस किचन में तो बेगम की तबीयत सुनाए जी, सुबह सुबह भी दवाइयाँ लेती फिर रही थी। हाँ, गले में अब तो आराम है लेकिन सुबह फिर दोबारा दर्द हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने वो दवाई ली है जो आपने दी, वो जो दूसरी लेके आए थे वो भी ली है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। बुखार तो नहीं हुआ लेकिन अगर भाई नहीं, कल जो दवाइयाँ आपने खाई है ना, आपने भी बड़ी हिम्मत करके खाई, कोई ना कोई तो लागी गई होगी। हाँ, वही ना, मैंने कहा दर्द वाली भी दे दो, बुखार वाली भी दे दो, गले वाली भी दे दो। और क्या, तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है हमारा, और मैं ये आटा सुबह ही देके आया था, चाय बनाई है और ये अंडे की बुटी बनाई है, एक अंडा बनाया है, तो खाते हैं नाश्ता करते हैं। असल में सीन वही था, आपको पता कि ना, जब बंदा की तबीयत ख़राब हो तो सारा निज़ाम बरम तरम हो जाता। दो दिन हो गए यहाँ पे हमें, बल्कि अगले तीसरा दिन है, तो यहाँ पे सीन मैंने खाना मतलब ऐसे खाया या कोई इस तरह के डर गए थे ना, तो वो अब ना हमने कहा यार हम घर पे बनाते हैं यहीं पे ना, चाहे जैसे भी हो। तो इनको भी मैंने तकलीफ दी है सारी, मैंने कहा यार तो औकसकार जो भी होता है ना, इस तरह भी खुद ही नाश्ता बनाते हैं, चूँकि बाहर से खाया ना तो फिर गला ख़राब हो जाएगा। भूख लग रही है? चलो हाँ देते, बैठो बैठो इधर बैठो। तो नाश्ता भाई साहब इसलिए घर कर रहे हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई समय तो कल मेरे भी हो जाती है। मैं फिर ना खाना खाने के बाद ना दवाई लेता हूँ, हर खाने के बाद ना एक दफ़ा दवाई लेनी पड़ती है, ताकि ना भाई एहतियातन मुझे ना खारिश ये वो इस तरह का। इनका भी सेम यही सेम बना, ये सॉसेज वगैरह डालते हैं बाहर वाले खानों में ना, तो वो इससे काम ख़राब हो जाता है। हम अपना घर वाला खाएं ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। ये कुछ इस तरह का सीन है आजकल हमारा चल रहा। और बेगम तो कल से मेरी वाट लगा के खड़ी है भाई साहब, मैं भी चढ़ा चा तू सेट कर ला, मोन सन बुला ला। मैं नहीं रहती, मेरा शौक खत्म हो गया, शौक खत्म सेट होने का। मैं अपने घर सेट हूँ, माँ बाप से दूर हूँ, बहन भाइयों से दूर हूँ। वैसे बंद औरत शादी के बाद वैसे दूर हो जाती है, बाकी का आपने यहाँ ला के दूर कर दिया कि फोन से भी गए, फोन से भी गए, व्हाट्सएप भी नहीं होता ना उनकी तरफ। तो ये सीन है इनका, कह रहे भी कोशिश करते हैं भाई साहब, हमें ना ढिल्ली पड़ गई बीमारी की हालत में, बंदा ना ढिल्ला पड़ जाता है, तो नहीं नहीं अभी इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, अपनी पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे जो भी होती है ना। हम जब भी नई जगह पे जाते हैं ना तो थोड़ी सी फील आती है, फिर दो चार दिनों में हम सेट हो जाते हैं। जी तो भाई साहब बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता आ चुका है। हाँ जी जुरेज़ शुरू करो जी। वैसे फाइनली अभी नहा धो लिया है, कुछ सफाई सफाई की है, एक दिन भी अपना नहाओ ना तो सर में खारिश होती है, पता नहीं क्या सीन है। तो खैर अभी कपड़े हम थोड़े से ये थे कच्चे कुच्चे थे इन बच्चों के ना, तो इनको यहाँ पे धो रहे हैं। असल में सीन ये है कि जब से हमने कपड़े शपड़े धुलवाए हैं ना और इस तरह का सीन किया है ना, तो एक तो कपड़े साफ नहीं होते, मतलब स्टीम करते हैं मेरे ख्याल में, जैसे पानी में जगह मारते हैं साफ नहीं होते। दूसरा ये होता है कि तब से ना बीमार होना शुरू हो गए हैं। हमने सोचा हो सकता है कि इसकी वजह भी हो, कपड़ों में सफाई सफाई वाला सीन ना हो सही, ये भी हो सकता है। तो आज ना बेगम खुद धो रही है, तबीयत तो उनकी ख़राब है लेकिन हिम्मत करके ना लगी खड़ी है। हाँ, वो ना धुले भी नहीं होते, मुझे ऐसे लगता है वो ना सिर्फ ड्राई क्लीन करके ना और इस्त्री करके दे देते हैं। चलो ना खैर, आज कोई हल्की हल्की धूप निकली खड़ी है, ज़्यादा तो नहीं है बस हल्की हल्की है। ये नीचे हमारी आबादी है, ऐसे ना कट्ठी सी आबादी है, निके निके घर हैं भाई सब छोटे छोटे, और एक साथ यकदम यक मोस्त हुए खड़े हैं अन्य बस अन्य वाह बने खड़े नहीं। अच्छा साढ़े भी साढ़े गाँव वाला हिसाब ही नहीं है, वो भी बस नहीं अन्य वाह जी, इनको सीधी ना गली है ना कोई किस्सा है ना कहानी। चलो जी ये तीन चार घर इकट्ठे हैं, इधर भी ऐसी आबादी है। तो कपड़े हमने ना इधर डाले हैं यहाँ पे ना बालकोनी में, इसी चला के ये तीन चार थे ये डाल दिए, और ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाता, मेरा मोबाइल ना गिर गया, ये देखिए जी नीचे स्विमिंग पूल भी है ना, तो इधर चलते हैं। आए
थोड़ी घनी हिम्मत सिम्मत पई है चीज थले वेखण दी, नहीं तो पहले तो हिम्मत ही नहीं पाती पई। और बेगम को मैंने कहा वैसे तू ना धोले कुछ, जरासीम धो ले अगले, तो जरासीम कुछ धोल गए? हाँ कुछ कुछ हो गए हैं। अच्छा पानी गरम था। हाँ। फिर आसानी रही नहाने में ना। हाँ, पानी तो चंगा रख के गरम है। हाँ, हाँ, चेक करो उनका गीजर मुसलसल चल रहा होता है। हाँ, ये बंद नहीं करते। तो नहीं नहीं ऑटो पे लगा हुआ है वो ना, मैंने ऐसे निकाला पानी ना तो पहले ठंडा निकला। उन्होंने ना सिर्फ तीन चीजों के इंस्ट्रक्शन दी है कि जाते हुए आप लोग भाई घर से निकलते हुए एसी लाइट और गीजर न, एसी स्टोव टीवी लाइट बस। हाँ, ये बंद करके जाना, बंद करके जाना है। बाकी उनका फ्रिज और ये सारा चलता रहेगा। ये अच्छा, ये इनके इंस्ट्रक्शन भी है। ओहो, अंदर उच्चा भी नहीं बोलना। असी केड़ा उच्चा बोलने पे साइड में बच्चे वो सारी रात हमारे सर पे ढमढमा करते हैं ना। हाँ, चंगा रख के वो भी लड़ देन। ये मेरे ख्याल में दीवारें ना मुझे वुड की लगती है ऐसे ही गत्ते के घरों में हम रह रहे हैं। हाँ, मुझे शक कैसे पड़ता है, मतलब ये साथ वाला कोई मुक्शुक मारे ना, बच्चे कूदते हैं ना, तो ये वाली फीलिंग आती है। सुबह सुबह उनकी अम्मा लड़ रही होती है उनके साथ। अच्छा, तबीयत का सुना? तबीयत ठीक है अब तो, गला भी क्या कहते हैं दर्द रुक गई है, पहले ऐसे करती अभी कानों में होती है, सिर्फ कानों में होती है, एक में एक में वो बैठनी सोले पड़ी वो तो एक ले लेना। लिए सुबह वो ली थी सुबह, उसी से तो आराम आया, फिर वो भी पिया पत्ता सा। हाँ, बल्कि वो पत्ता भी, पत्ता कितने कितने रह गए बाकी? तीन पांच थे वैसे, दो पी गई हैं, तीन रह गए, तू यही पी। हाँ, यही अच्छा है ना। हाँ, हर्बल भी है और ना ये वो भाई साहब ने मुझे बताया था कि अच्छा है, चाटते रहो ना इसको ऐसे चम्मच पे डाल के, फिर ज्यादा असर करता। हाँ गुड, हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं ना वक्त के साथ साथ। चलो जी भाई साहब, फाइनली भाई साहब इनकी कुछ तबीयत शबीयत ठीक हुई है और कुछ करते हैं कि नीचे जाते हैं। कोई नहीं, नीचे गए ना एक दफ़ा। हाँ, कोई नहीं, नीचे गए, नीचे भी जाते हैं, कोई नीचे का माहौल शोर भी देखते हैं और थोड़ा सा आपको ना टूर भी देते हैं स्विमिंग पूल का और जिम, जिम जिम भी है यहाँ पे, स्विमिंग पूल भी है, ये फैसिलिटी है तो वो भी जाके देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। पैकिंग तो नहीं कर रही? बस मैं पैकिंग कर चुकी हूँ। ऐसे नहीं, वाकई सीरियस बात है। अभी हमने क्या करना है यहाँ पे सेट होने का सोचो ना, आप एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर में, कोई पता तो लगे ना बंदे की। ये हालत, ये देखो मेरे सर की हालत होगी, बाल बहुत गिर रहे हैं। हाँ, बहुत गिर रहे हैं बाल, जगह तब्दील करने से नहीं ये होता है। अभी कंघी की है तो बाल गिरे हैं इनके थे सारे। हाँ। नहीं, अब मुझे वापस भेजना है कि कोई नहीं भेजना, मैंने वापस जाना है पक्का। स्टोरी वैसे इतना सारा करो ना, ऐसा करो मैं बताती हूँ, आप मुझे भेज दो बच्ची और आप यहाँ रहो, ठीक है ना? आपको भेज दो। हाँ, आप लोगों ने, मैंने थोड़ी होना, पीछे पीछे पूरा घर है। अगर फर्ज करो अगर आप सारा सामान बेच के आए होते बंदा, फिर तो पीछे का ना सोचता ना, कश्तियाँ जली होती है, आप कश्तियाँ भी बचाए हो, फिर कहते हैं दूसरे। मुझे अब देखो कल मेरी तबीयत कितनी खराब हुई, इन्होंने तो शुक्र है मेरे जिस्म में इतनी दर्द थी, ये आए इन्होंने मुझे दबाया, बच्चों ने दबाया, सबने मिलके, फिर मुझे सुकून आया। और मैं पहले मैंने सोचा कोई भी नहीं मुझे दबा रहा, मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं पाकिस्तान में होती, मेरे माँ बाप होते, मेरे ससुराल वाले होते, कोई तो करता ना मेरी। वो तो फिर पता नहीं, ये आ गए, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा चलो भाई इनका साथ ही बहुत है यहाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। अभी भाई साहब हमने यहाँ पे बहुत कुछ करना है, तो ये अभी से ना मसीह मथार के बैठी हूँ, सवाल नहीं पैदा होता, इतना खर्चा करके बंदा आया यहाँ पे, इतने धक्के खा लिए, सारा कुछ कर लिया है और अब ये कहें कि हमने वापस जाना है, ये तो नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। मैं भी इसलिए चुप कर जाती हूँ कि इतना हम खर्चा करके आए वही ना। अभी तो हमने कुछ अपनी सेटिंग का कोई कहता प्लानिंग भी नहीं की, अभी बीमारी बीच में आ गई, काम लटक गया, सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हैं। अभी आप थोड़ा सा हौसला करो, अल्लाह खैर करेगा, नीयत सही करो और काम शुरू करो। अब ये नहीं है कि आप मतलब हम आए हैं वहाँ से तो अब ये कहें कि हमें वापस अभी जाना है, नहीं नहीं, हम बकायदा यहाँ पे ना सिस्टम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो गलत बात है कि हम वहाँ पे आ गए, खर्चा कर लिया, सारा कुछ जमा पूंजी जो थी लगा के और अब ये पीछा,
नहीं अब आपकी तबीयत ठीक है? वैसे ठीक है, कल मैं जो अपनी हालत आपको बता रही थी ना, मेरा बस ये था मुझे कोई जहाज में बिठाए पाकिस्तान फेंक दे किसी तरह। बीमारी ख्याल में बंदा यही सोचता है, ऐसे ही सोचता है। तो खैर अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। मैं कभी ये आए मुझे दवाएं ऐसे जोर जोर से, कभी वो, फिर आधे घंटे बाद ये जैसे ही दबाना छोड़ दे मुझे फिर दर्द होने शुरू हो जाए, फिर ये दोबारा ऐसे करें। पहले उससे पहले मैं कहती हूँ मैं किसी तरह पाकिस्तान चली जाऊँ, चलो वहाँ माँ बाप बहन भाई ससुराल वाले सारे होते हैं। डेंगू में वैसे दर्द होती है ऐसे? हाँ, ये मलेरिया है मुझे लगता है, मलेरिया। वो मच्छर काटे थे वो पीछे घर में, मैंने इनको एंटीबायोटिक दी थी तो काफी कह रहे थे कि इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत जारी बात है, जिंदगी के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है। तजर्बे मेरे ऊपर करते रहते हैं, नए तजर्बे नहीं, तो एंटीबायोटिक जो दिए ना उन्हीं से इनको फाका हुआ है। अगर हम ना देते ना तो इनकी बात लटक जानी थी। दानों ने बांदर रखा होता है, इन्होंने मुझे रखा है दवाइयां दे के। तजर्बा नहीं है ये, पहले भी मैं घर में करता हूँ, ये नई बात नहीं है। एक दफा नजले वाला तजर्बा भी मेरे ऊपर किया था। हाँ, धर्म बच्ची थी, इन्हें भी बच गई, कोई नहीं है, रिकवर हो गई। लेती अच्छी है वो मेडिसिन जो है ना, वो जो हमने दिखाई थी ना हर्बल, हाँ, वो अच्छी दवाई है। ठंडी सी है। हाँ। और कोई ना उन्होंने वो बना के कहवा बना के डाला हुआ है, वो कहवा है। हाँ, हाँ। शहद भी शामिल है। चलो अल्लाह खैर करेगा जी। चलो खैर जब भी नीचे चलते हैं, कुछ ना सिचुएशन देखते हैं नीचे की, क्योंकि हम बिल्कुल घूमे भी नहीं है, सिर्फ ना खाना खाने एक दफा गए थे बस, इसके अलावा हम नहीं गए।